हेलो एवरीवन, दिस इज हेरिटेज ट्रेनर ऑफ इंग्लिश। वेलकम टू इन दिस क्लिप। इस क्लिप में मैं आपको सिखाऊंगा मैन ऑफ से रिलेटेड कितने सारे इडियम्स बनते हैं, जिसमें पहला है मैन ऑफ वर्ड्स। जैसे आपने सुना होगा मैन ऑफ हिज वर्ड्स भी होता है, इसका मतलब होता है वादे का पक्का व्यक्ति। नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर्स, इसका मीनिंग होता है विद्वान व्यक्ति, जिसे हम लोग स्कॉलर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मैन ऑफ मीन्स, इसका मतलब होता है धनी व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति, उसे बोलते हैं मैन ऑफ मीन्स। नेक्स्ट है मैन ऑफ पार्ट्स, इसका मीनिंग होता है मल्टी टैलेंटेड, बहुमुखी प्रतिभा का धनी। नेक्स्ट है मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मीनिंग होता है तुच्छ व्यक्ति, यहाँ पर इसे बोल सकते हैं अनस्किल्ड पर्सन। इस प्रकार और भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मुझे फॉलो करें और हेलो अपेक्स ऐप को डाउनलोड करें।